वालिदैन दे अल्लाह दे दीन विच बड़े हकूक ने। कुछ ओ ने जेड़े उन्हां दे जिंदगी विच होंदे ने, कुछ ओ ने जेड़े उन्हां दी जिंदगी तों बाद। जेड़े हकूक मां बाप दी जिंदगी विच ने ओ भी बहुत सारे ने। चंद एक मैं जो मेरे नॉलेज विच आ गए इस वेले ओ तुहानूं दस्सांगा। दीन रसूलुल्लाह दा हुक्म देंदा है कि जदों मां बाप नाल गुफ्तगू करो ते तुहाडा लहजा नरम होना चाहिए। लहजा बोलन दा अंदाज। अल्लाह कुरान में फरमांदे ने वकुल्लहुमा कौलन करीमा। बाप या मां उन्हां नाल जदों गल करो तो चिल्ला के मत करो, सख्ती नाल ना करो। तुहाडी आवाज विच नरमी होनी चाहीदी है, नरम लहजे विच गल करो, जोर नाल दब के ना अपने मां बाप अगे बोलिया। ठीक है भाई, आपने नोटिस कर लिया? गुड बॉय। कि उन्हां अगे सख्ती नाल बोलना चिल्लाना मना है। एक कुरान वकुल्लहुमा कौलन करीमा कि जद भी उन्हां नाल गल करो मां और बाप नाल तो लहजा नरम रखो। वाखफिज लहुमा जनाह जुल्ल मिन रहमा। अपनी मोहब्बत के दरवाजे और पर उन्हां वास्ते खोल। और जेडे अल्फाज ने वो भी अदब वाले होने चाहिए, यानी अल्फाज में भी सख्ती नहीं। असी इसनों बुलावांगे तो आखांगे ओए शब्बीर, लेकिन असी अपने तो छोटे ओए ते तू कह सकने। मां बाप नूं ओए ते तू ते तुम नहीं कह सकते, आप ते तुसी कह सकते। समझ आ गई? क्योंकि ये लफ्ज अदब दे दायरे अंदर आ। ठीक हो गया? ठीक हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, अगे आओ। दो चीजा होगी, लहजा नरम होवे, अल्फाज अच्छे हो, ते जदों उन्हां वल तक्को, अपनी मां और अपने बाप वल तक्को, ते अखां कढ़ के नहीं तकनियां, अखां झुका के गल कर। नजर भर के भी उन्हां नूं नहीं वेखना, मुहब्बत की नजर नाल वेखना है।